so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू केव बैंटर्स। और काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो डल रही है चैनल पे, क्योंकि बहुत ट्रैवल करा इंडिया तो वहाँ पर एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला। तो ये मेरी लास्ट वीडियो है इंडिया की, और इसमें हम हरिद्वार में थे और जहाँ पे हमने जंगलों के बीच में एक कैंप में हमने एक रात गुजारी थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसी रही हमारी ये कैंपिंग नाइट। सो स्टे ट्यून। और काफी मशक्कत के बाद जंगलों का रास्ता कवर करते हुए हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। तो ये है वो जगह जहां हम आज की रात गुजारने वाले हैं। तो ये जगह है हरिद्वार में राजा जी नेशनल पार्क के बिल्कुल जस्ट पीछे। इसका नाम है एडवेंचर कैंप हरिद्वार। हाँ जी भाई, कैसे हो आप? हाय गाइस, ये हमारे भाई हैं जो आज हमें रात को यहाँ पे होस्ट करेंगे। तो आपका नाम क्या है? अंसारुल। तो जैसे ये एरिया है यहाँ पे, तो इसके मतलब हाथी वाती आप बता रहे थे रात को मत आना, काफी आ जाते हैं हाथी। यहाँ पे भी आया था एक बार। अच्छा। एक बार उधर आ गया था जामुन। अच्छा। हम सो रखे थे, बरसात की बात है, गन्ने में से निकल के जा रखा था। अच्छा, जो पीछे गन्ने के खेत है इसके पीछे। हाँ ओके। तो यहाँ अक्सर आता रहता है या कभी कभी आता है? कभी कभी आता है, कभी कभी, मतलब धान दून जैसे खाने का था तो तब आया। अच्छा। वैसे कुछ नहीं है कि रोज आओ। ओके ओके ओके, मतलब वैसे कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन रास्ते में आने का रिस्क है। रास्ते में है रात को जब अंधेरा हो जाता है। ओके ओके, धन्यवाद। फॉरेस्ट वाले भी नहीं आने देते सर। अच्छा, फॉरेस्ट वाले भी नहीं? बजे के बाद वो बंद कर देते, 10 बजे के बाद रात को। हाँ, हम जब आ रहे थे काफी जंगल था गड्ढे। वो तो है। ओके, थैंक यू भाई। तो आर्यन बताइए कि हम किधर की साइड जा रहे हैं, कौन सा ट्रैक है, क्या करने जा रहे हैं? यार ट्रैक का तो नाम पता नहीं, हम जा रहे हैं कोई नदी है तो उसके पास जा रहे हैं, देखने क्या सिचुएशन है वहाँ पे, क्या हिसाब है। सिचुएशन? आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं सर? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विभाग से हूँ मैं। अच्छा, सिचुएशंस देखने जा रहे हैं वहाँ पे हाथी वाती का बड़ा सुना है कि हाथी। हाँ, वहाँ पे इस टाइम आते हैं हाथी। हाथी आते हैं, और वो भी आते भैया क्या बोलते हैं उसको, गुलदार होते हैं।
और भी बड़े जानवर हैं। तो ये भाई जो हैं हमें ट्रैकिंग पे ले जा रहे हैं। यहाँ से दिखा लोगों को पीछे पहाड़। ये जो वॉकवे बना हुआ है ये नदी के किनारे बना हुआ है और यहीं पर राजाजी नेशनल पार्क की बाउंड्री स्टार्ट होती है। ये जो रेंजेस दिख रहे हैं ये पूरा राजाजी नेशनल पार्क है। कुछ ज्यादा खास करने के लिए था नहीं तो हम कैंप पर वापस आ गए। काफी मजा आ रहा है, पीसफुल है काफी और बिल्कुल गांव के बीच में जंगलों में काफी मजा आ रहा है। हाँ। और एक तो शांति बहुत है वाकई में। और ठंडी हवा है, लाइट्स वगैरह जली हुई है, पूरा एकदम ऐसे हो रखा है मजेदार लाइक कोजी कोजी। पार्टी शार्टी वाला सीन बनना चाहिए यहाँ पे। पार्टी शार्टी करेंगे बट आज ट्यूजडे है। आज ट्यूजडे को हमारा भाई कुछ भी नहीं करता। अपना सिंपल दाल रोटी खानी है, थोड़ा म्यूजिक चला के डांस वांस करना है, लाइट एंजॉय करना है। एंजॉय करो यार। और सो के सुबह चलते हैं वहाँ पे। कौन सा घाट बता रहे थे वो जो ऊपर बीच में है पहाड़ों के? पता नहीं कोई घाट बताया था। देखते हैं सुबह, देखते हैं वो तो। खैर अभी फिलहाल हम ये वादियाँ, ये हवा और ये माहौल एंजॉय कर। राहुल थोड़ा सा दिखाओ कैसा टेंट का, दिखाओ उधर से लाइटिंग में। ये सामने हमारे कॉटेज है जहाँ ठहरे हुए हैं। एक ग्रुप और आना है अभी जो कि रास्ते में है, आ रहा है। फिर अभी फिलहाल तो हम ही है ना यहाँ पे। हाँ फिलहाल अभी हम ही है। एक बॉनफायर बच्ची है, बॉनफायर लगानी है रात को। हमने यहाँ पे बैठ के गाने चलेंगे पूरे, ये डांस होगा। लक्तुनु तुनु। तो हमारा यहाँ पूरा सेटअप हो गया है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि बॉनफायर वगैरह सब है यहाँ पे और लाइट म्यूजिक चल रहा है, खाने की तैयारी हो चुकी है। और ये हमारा आर्यन भाई बॉनफायर का एंजॉय करते हुए, बॉनफायर का खाना भी खाने वाले हैं, फुल एंजॉय हो रहा है। कोई कमी कुछ नहीं लग रही मुझे तो भाई, बिल्कुल बढ़िया एकदम साइलेंस में बैठे हुए हैं। बस हमने थोड़ा पीछे शोर मचाया हुआ है, बाकी जंगलों की वादियों तो ये जो शोर है तो एंजॉयमेंट के लिए अच्छी चीज है। एंजॉयमेंट के लिए अच्छी चीज है। ओके अपने तसल्ली में आओ, रात को अपने एंजॉय करो। और वेदर कैसा है? वेदर बहुत अच्छा है, ठंड हो रही है, प्लेजेंट, बिल्कुल प्लेजेंट वेदर है। ओके मतलब इतनी भी ठंड नहीं है कि अनबेरेबल हो, बहुत मजा आ रहा। लेकिन ओके तो गाइज ये हमारे पीछे कॉटेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टे है। और बस आ जाए स्वाद आ रहा रोहित, थैंक यू ब्रदर। अब हम जो है आपको कल मिलेंगे। अब वीडियो को हम यही खत्म कर रहे हैं, कल सुबह देखते हैं ट्रैकिंग पे जाना है क्या सिचुएशन बनती है। और अब ये डिनर खा के हम सोने लगे हैं। सी यू टुमारो। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज गए हैं। अब हम कैंप से निकलने की तैयारी है।
अभी हमने सोचा है कि यहाँ पे एक झिलमिल वाटरफॉल है, क्या वाटरफॉल है क्या नदी है, झिलमिल ग्रासलैंड है, वहाँ पे हम जाएंगे और थोड़े जानवर वानवर देखेंगे अगर हमें मिलते हैं तो। बाकी हमारे बाकी दो बंदे रेडी हैं और ये हमारे इंस्ट्रक्टर मिस्टर सविंदर सिंह, हेलो हेलो बोल दो सर। हाय। और ये हमें दिखाने वाले हैं आगे पीछे कि किस तरह की जगह है यहाँ पे घूमने फिरने वाली, बाकी जो भी होगी हम आपको शॉर्ट्स में दिखाएंगे। ये घास के अंदर अभी भी टाइगर होगा, इसे एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। टाइगर ऐसे भी घात लगाता है? हाँ ऐसे भी तो रहता है। ये कोर जो है इधर बच के रही हो। इधर ही आ जा मेरे, या इधर आ जाना। हमारी जो सफारी इसके चारों तरफ होती है ऐसे, उधर ही घूम के गंगा जी सामने वाला तो मुड़ रहा। ये सफारी ज्यादा बढ़िया राजा जी से वैसे ना, इसमें जानवर दिखता, जानवर और देख के लग भी रहा है, मतलब फोटोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो ये क्या एंट्री वगैरह सब यहीं से हो जाती है सफारी वफारी के लिए? पीली पड़ाव, ये भी पीली पड़ाव ही है? नहीं, हमारा पीली पड़ाव इज अ पार्ट ऑफ झिलमिल झील कंजर्वेशन। इस जगह का नाम है झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कंजर्व है किसके लिए? स्वैम्प डियर बारहसिंगा के लिए, ठीक है, उसके लिए रिजर्व है ये। तो ये पूरा मतलब ऐसे तो और भी जानवर हैं, बट ये रिजर्व जो बना वो बारहसिंगा के लिए बना था, स्वैम्प डियर के लिए। पहले ये दलदल होती थी। अच्छा। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक प्लांट लग गया बिस्लेरी का। अच्छा। तो वो बोरिंग चल रहे हैं तो पानी, उसने पानी लेवल डाउन कर दिया, तो अब ये ग्रासलैंड बन गया पूरा। तो इसमें अब जो है वो सारे स्पीसीज हैं जानवरों की, लेपर्ड है, टाइगर है, एलिफेंट है, हिरन है, सांबर, स्वैम्प डियर, एक तरह से बर्ड्स बहुत हैं, हाइना, लगड़ बग गए, लेपर्ड दुनिया भर गए इसमें। ये 27 किलोमीटर गया इधर से, इधर पीछे पीछे। अच्छा, पूरा राउंड सर्कल। हाँ, राउंड लगा के उधर फिर दसों वाली का जंगल पड़ता है, वहां से जाके वापस इधर को आती है। तो लगभग 1-1.5 घंटे की तो होगी, ज्यादा 2-2.5 घंटे। काफी अच्छे है। ऊपर चलो तो ऊपर से और अच्छे दिखेगा। ऊपर चलते हैं, चढ़ो ऊपर, धतूरे बहुत है इसमें, आराम से चल रहे हैं। इसको बारे में तो कहने में डर लगता, वेट कर लेंगे रात को चेक कर। आराम से आओ। तो उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 13 डेस्टिनेशन बनाई थी, उनमें से एक डेस्टिनेशन ये है। अच्छा। इसको एक्सप्लोर कर रही है अब गवर्नमेंट, क्योंकि हर जगह दबाव बनता जा रहा है ना, कॉर्बेट में क्या हुआ, बहुत पॉपुलेशन हो गई, तो अब वो क्या कर रहे, धीरे धीरे टूरिस्टों को माइग्रेट कर रहे हैं कि इधर से थोड़ा टूरिस्ट इधर आ जाए, इधर से चिल्ला में यहाँ से इधर। हाँ, नई नई चीज एक्सप्लोर करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जंगल सफारी शुरू करिए, पॉसिबिलिटी है। और जंगल यहाँ का मैं बताऊँ, ये अनएक्सप्लोर्ड है ना, तो अभी तक बचा हुआ है, बचा हुआ भी है, प्लस ये कॉर्बेट से अच्छा जंगल है। अच्छा। इतना अच्छा लैंडस्केप आपको कॉर्बेट में नहीं मिलेगा कहीं भी। तो जैसे आप अपना स्टे बुक करवाना, तो कांटेक्ट कहाँ किया जाए आपसे, मतलब फोन नंबर 8869803550। ये आपका कांटेक्ट नंबर है? ओके, सही है। हाँ, और नाम क्या आपने स्टे का वहाँ पे जो कैंप है? फॉरेस्ट नेचर कैंप। फॉरेस्ट नेचर कैंप, ठीक है। ओके, अब एक